नमस्कार। आइए दोस्तों, अभी तक हम लोग ने नृत्य कला का आनंद लिए, नाच गाने की मौज मस्ती लिए, अब हमारी नाजुक संगीत कला पार्टी आप लोग को लेकर चलती है संगीत की तरफ। आज की रात हमारी पार्टी जो संगीत खेलने जा रही है, जिसका नाम होगा अभागी अर्चना। अभागी अर्चना उर्फ तिरिया चरित्र, अभागी अर्चना उर्फ तिरिया चरित्र। दोस्तों, यह कहानी शहर इंदौर की है, जहां पर महाराज ठाकुर कौशल सिंह का चमकता हुआ सितारा है। आज की रात उन्हीं का राज दरबार लगने जा रहा है। महाराज अपने राज दरबार में आने वाले हैं, और मैं क्या देख रहा हूं, यहां से मंत्री गैर हाजिर और नौकर गैर हाजिर। दोस्तों, मैं यहां का सेनापति हूं, दो की दोनों गैर हाजिर, मैं अकेला क्या करूं। ठीक है, पता करता हूं इस समय नौकर कहां है। मंत्री तो छुट्टी लेकर घर चला गया है, लेकिन नौकर कहां है। हेलो नौकर, नौकर, अरे नौकर, मंत्री नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ बलायन? हाँ, कहाँ बलायन? नौकर, तू कहाँ रहता है, क्या करता है रे? काम करते रहे। कमर काम तो है, बताए जरेई डालते रहे खेते के। और का जरेई डाल रहा था। हाँ। बदतमीज है, महाराज जी अपने राज दरबार में आने वाले हैं। है बाबू, बाबू जी राज दरबार में। मंत्री जी तो छुट्टी लेकर घर चले गए, लेकिन तू भी गैर हाजी। एक काम कर, उनको बैठने के लिए बहुत जल्द यहाँ पर एक कुर्सी लेकर। बाबू के कुर्सी तुरंत तत्काल लेके आ। तुरंत नहीं कहते हैं, उसे नारा बोलते हैं। नारा, तेरा नारा कैसे ऊपर गया? कुर्सियाँ बड़ी वजन है। कुर्सी वजन है? हाँ, बड़ी वजन है। कितना वजन है? है 14-15 किलो। अबे 14-15 क्या होता है? वो वजन है। 14-15 नहीं बोलते हैं, उसे 14-15 बड़ी वजन है। कुर्सी 14-15 किलो की नहीं है, तो बहुत हल्का है। तब ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 किलो की। 2.5 से 3 किलो तो 3 किलो की। तब का हम भक्का भक बड़े लग लगता है, तेरी को कमजोरी है। हाँ, 8 दिन पहले मैं टाइफाइड मलेरिया पकड़ ले रहा। वही बात है। हाँ, तू इलाज करा ले। हाँ, वरना मर जाएगा। क्या ठीक है, हम इलाज कराएंगे। एक काम कर, कुर्सी को सही ढंग से लगा दे। महाराज जी आने वाले है। अब कुर्सी ना सही से लगा, कुर्सी ऐसे रहता है। यार Thank you.
सी है? 2023 मॉडल है, 2023 का 23 मॉडल है। एक कुर्सी 40 सीट। वाह, और क्या बनाने वाले की अजब तारीफ है। हाँ देखा, एक दो तीन चार, चार तीन दो एक। हालो, 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 हालो। ये चारों सीट पर कौन से लोग बैठेंगे? सब बड़े बड़े अधिकारी। उनका नाम तो होगा? बहुत भारी भारी अधिकारी। बताओ पड़ी, बताओ बताओ। पहला नंबर प्रधानमंत्री। हाँ। दूसरा नंबर मुख्यमंत्री। तीसरा नंबर सांसद। चौथा नंबर प्रधान। आदर प्रधान पिटेरी से सब कैसा धान प्रधान और बिटिहनी सी होता है रे? जब प्रधान के नीचे वाले सुनने वाला रहते हैं। अब ये बिटिहनी सी नहीं कहते हैं, उन्हें बीडीसी बोलते हैं। हाँ, बीडीसी, बीडीसी, हाँ बीडीसी, ये सब अंदर रही हैं। ना क्या? क्या हो? तेरा दिमाग खराब है? हाँ, हमारा दिमाग खराब हो। कुर्सी सही ढंग से लगा दे। अब ऐसा सही लगवा? कुर्सी नहीं लगा। जा रहा मैं, जा रहा मैं, जा रहा। दिल्ली वाली सीट, लखनऊ वाली दो ये सीट बढ़वे करा ना होता है। मैं कहता हूँ कुर्सी सही ढंग से लगा दी। अभी ना सही से लग में नहीं लगाए। एक बात है, मैं सेनापति, हम कुर्सी ना सही से लगाई पाई। एक बार लगा बता दो, उसे लगाई। तू तनख्वाह किस चीज का लेता है? जब ले तनख्वाह, जब ना लगा तो क्या करे? एक बार लगा बता दे। तेरा कुर्सी लगाने का ढंग भगवान कमाल के पास। अच्छा चल, मैं बताता हूँ। हाँ, ये डाल लगा बता। देख ले। हाँ, ध्यान रहे। हाँ हाँ, हमेशा उसे लगा। ना वैसे लगा, ना मैं बंद ध्यान है। नौकर, देख कुर्सी इसी तरीके से लगता है, अंदा बताना ना पड़े, कुर्सी लगा देना। वाह, ये तो महाराज जी आ गए। मंत्री जी। हाँ हाँ, कहिए राजन। कुर्सी ऐसे लगा था? हमारे तरीके से तो ऐसे लगता है। ये बता कमीना, कब है? अब तक तेरे कुर्सी लगाने का ढंग नहीं था। है? मैं लगा कर बता दिया। है? उस पर बैठ गया। है? और बादशाह बन गया। बादशाह बन गया, कमरे बैठ गया, कोनो गोला दगमगात हो ही लगे टूट गया। बेवकूफ। है? चल बैठ। हाँ, लेकिन एक बात है। हाँ। देख महाराज जी आ रहे हैं। बाबू, बाबू जी, ये राज दरबार में। अबे राज दरबार में नहीं कहते, राज दरबार का। राज दरबार में। हाँ, जैसे कि महाराज जी आ गए। हाँ, जैसे बाबू आ गए, उसे हाथ जोड़ लेना। हाथ जोड़ ले। अबे, हैं? उस तरह से हाथ जोड़ा जाता है? तब कैसे? देख किस तरह से। अच्छा, हाँ बाबू आएंगे, हाथ जोड़ ले। महाराज जी, महाराज जी, नमस्कार। नमस्कार। एक बात है मंत्री, हमेशा उल्टा बोलता है। हमें एक एक अच्छा करके समझावा, कम पढ़ा लिखा सच्ची लगी। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी नमस्कार। एक एक अच्छा, एक एक अच्छा कहा था। अच्छा चल। हाँ, जैसे बाबू आए के हाथ जोड़ है। महाराज जी, महाराज जी, न न मैं से स्व का रे रे नमस्कार न मैं सकार नमस्कार 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 याद रहे। हाँ याद भाई, नमस्कार। ठीक है चल भाई। हाँ चल बैठ जा। बैठिए। मैं महाराज जी को बुला रहा हूँ। बाबू के और ध्यान रहे। हाँ, आ जाने के बाद हाथ जोड़ कर लेना। हाथ जोड़ कर ले। क्या करेगा? नमस्कार। नमस्कार। हाँ कह ले भाई। सहनी सा
उसे क्या बात कर रहे हैं तू? कहा था सुरती खाबा, सुरती कमला पसंद है। तू सुरती खाने जा रहा है? नहीं, कमला पसंद है, कहा खाबा के रुका आवत है, तब तक तू बहुत मारूंगा। देख लो कर महाराज जी को मैं कई आवाज दिया है, लेकिन महाराज जी अभी तक दिखाई नहीं दिए। बाबू ना दिखाई दे, आज का मंत्री नमस्कार से देख महाराज जी आ गए हैं। बाबू आई गए, आई गए, आई गए बाबू। जय हजो नमस्कार। ये बताओ कौन बिरादर है? हाँ हो अबे तेरे से बिरादर क्या मतलब है? नमस्कार सबसे किया जाता है। कहे ना बिरादर से मतलब जैसे हिंदू हो तो आम करी, मुसलमान हो तो हरे गुल से। क्या कहा? जैसे हिंदू हो तो आम करी। अबे आम नहीं कहते हैं, राम राम बोलते हैं। हिंदू हो तो राम राम, राम राम। हम मुसलमान हो तो हरे गुल से। वालेकुम सलाम नहीं कहते हैं, है? वालेकुम सलाम बोलते हैं। वालेकुम सलाम। कौन बिरादर है? महाराज जी है। महाराज जी एक क्षत्रिय है। समझिए जब हम बसंत क्षत्रिय उड़ा थे। अबे मैं बरसात की छतरी की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका जात क्षत्रिय है, वो एक ठाकुर है। जबन कहूँ बाबू साहब कहते हैं। बाबू साहब कहते लखौआ के धरती से 101 रुपए का पुरस्कार है। अच्छा अच्छा भैया को लाख लाख धन्यवाद है। आप तेरे संबंध क्या आ रहा है? जैसे ब्लेज उलेज पहने बड़ा चमक तुम कदम। मैं तुमसे परेशान रहता हूँ। हम तो से हैरान रही थे। अबे वह बेलज नहीं है, है? उनका राजशाही पोशाक है। अच्छा ये बाबू का राजशाही पोशाक है। अपने दरबार में आवतन अपन राजशाही पोशाक पहन कर आते हैं। तब बाबू का है। ओ, तेरे समझ नहीं आ रहा। हाँ। महाराज जी मर्द है, बाबू मर्द है, मर्द जाते जाते।
कर रखते हो, हराम जाते हो। नमस्कार करने के तरीका नहीं मालूम है, क्या लेकर आओ? राजन, आज नाको तो बहुत बड़ा गलती कर बैठा, उसकी तरह से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। राजन वह नौकर अभी एक नया है, आप जैसे राजा महाराजा को कभी देखा नहीं है, डर से उसका हाथ और पैर दोनों उठ गया। मैं समझा दूंगा, अंदर ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है सेनापति, तुम्हारा क्या हालत है? मैं इसकी गलती को माफ कर देता हूँ, अंदर ऐसा गलती करेगा नहीं। राजन, उसकी पहली गलती है, माफ कीजिए। ठीक है समझा। अबे खड़ा हो, अबे खड़ा हो। क्या हो? ये बता कमीना, नमस्कार किससे किया जाता है? गए देखे ना बाबू पर सिंहासन पर बैठा रहे, दौला दौला गए तान से करे। तन का मतलब क्या होता है? तन का मतलब ना समझे? तन क्या होता है? तुरंत तुरंत किया, तुरंत। लेकिन कैसे किया? हम कह बाबू जयराम पाल आगे बचते। बता कमीना, नमस्कार हाथ से किया जाता है या पैर से? हम कह दोनों से लिए खुश हो गए। बहुत मारूंगा। कब है बेईमान? है तूने आज रात दरबार में बहुत बड़ा गलती कर दिया है, अंदर सी गलती कभी करना नहीं। नहीं भगवान का भाई, महाराज जी तेरे को जान से खत्म कर देंगे, जान से मार। और तेरी गलती को है मैं महाराज जी से माफी मांगा। बड़ा बढ़िया करें, बड़ा बढ़िया करें, बड़े बढ़िया करें। चल बढ़िया, बैठ गए। चल बैठ ये बात है सेनापति। कहिए राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन आप बताओ इस समय मंत्री जी कहाँ है? राजन, मंत्री जी छुट्टी पर गए हुए हैं। छुट्टी पर गए हैं ना? हाँ। अभी तक आए नहीं? नहीं राजन, अभी उनका छुट्टी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं है, सुनिए। कहिए। अरे राज का क्या समाचार? अरे सेनापति जाता है। ठीक है नौकर, ओ नौकर ये बता पर्चे के बारे में कैसे जानकारी है? अरे बाबू कैसे कैसे नहीं? अरे बाबू इतने बार पूछे जाए अपने पर्चे के बारे में। बाबू ये तरीब है आपके प्रजा एकदम स्वतंत्र है। बाबू ये तरीब है आपके प्रजा एकदम खुशहाल। बाबू ये तरीब है आपके प्रजा लहरी फाइल के पूरी ले पनीर की सब्जी खाए खाए पड़े वगैरह भैया में देख रहा था। कौन कमी आप? ठीक है ठीक है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जानता है नौकर यह नाम कौशल सिंह है? का नाम बताए? कौशल सिंह। अच्छा अच्छा, ऐसा है हमारे महल में दो महारानी है, हमारे पास दो बच्चे हैं। आपके दो बच्चे हैं? जी हाँ, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। लड़के के नाम शीतल, लड़के के नाम शीतल और बेटी के नाम वंदना। वंदना, बढ़िया बढ़िया। लेकिन इस समय हमारी बेटी है अपने मकान में पढ़ाई लिखाई कर रही है, यानी घर में है पढ़ाई लिखाई कर रही है। और बेटा लंदन है, शीतल लंदन गया, मैं इसको लंदन भेज दिया। शीतल भैया
लंठन गहन पढ़े शीतल लंदन में पढ़े। अच्छा शीतल भैया लंदन गहन पढ़े लेकिन लोकल सेनापति जिस समय मेरा बेटा लंदन गया उसी समय हमारी पहली रानी खत्म हो गई। अरे हाँ पहली रानी मर गई। हाँ मर गई। अरे हमारे राम अरे लेकिन मैं बहुत टेंशन में आ गया। हाँ सीता के जाने के बाद मैं एक दूसरी शादी कर ली। दूसरे शादी कर ली जिसका नाम है रामकली। इस समय हमारे महल में है। अच्छा उनका नाम रामकली है अपने महल में है। जी हाँ। अच्छा अच्छा लेकिन बेटा सीता जब से लंदन गया अभी आज तक कोई फोन से नहीं बात कर रहा है। कोई चपाती नहीं आ रही है। चिट्ठी चपाती नहीं वगैरह। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नौकर घबरा वाली बतिया तब बात करी बाबू। लेकिन सेनापति मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कही राजू क्या कहना चाहता हूँ। सेनापति मेरी बात को सुनो लगा कर लंदन से अभी तक कोई पत्र न पुरुष कोई बात नहीं कर रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि नौकर ऐसे सेनापति दोनों में कोई भी जाओ लंदन और बेटे लेके आओ। देखिए राजन राजन मैं जाने के लिए तो तैयार हूं लेकिन फिर भी मजबूर हूं क्योंकि मंत्री जी है नहीं और मेरे ऊपर बहुत सारा काम है। उधर बॉर्डर की भी कहानी देखना है और इधर घर की भी कहानी देखना है। इसलिए मैं जाने में असमर्थ हूँ। आप नौकर को भेज दीजिए। ठीक है नौकर ऐसा कर नौकर जाओ बाहर से पैसा ले लो खाने पीने का नाश्ता बना लो लंदन जाओ और बेटे मेरे बेटे शीतल भैया शीतल को लेके आओ। ना 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 सही बात है जाते हैं। ठीक है ना कहो जाओ जाइए लंदन लंदन हो लंदन और खाने पीने का व्यवस्था कर लो बहुत जल्द जल्द आओ बनाई बुआ करेला भरवा ले बढ़िया रहे जो तेरी मर्जी कहे जाते करेला भरवा ले और परेठा उठा बनवा। अरे भाई कोई है ये आवाज कहाँ से आ रहा है। पूछी के है पूछो हे भैया के है हो मैं एक डाकिया। नौकर अरे किस डाकू की हिम्मत है कि महाराज कौशल सिंह के दरबार में प्रवेश करने की। अरे पूछे तो हमके भैया के है कहाँ डाकू है डाकू। नौकर तूने सही ढंग से सुना नहीं है फिर से पूछ ले दोबारा। ना सही सुन पाए। हे भैया के है हो पोस्टमैन। पोस्टमैन का मतलब डाकिया। डाकिया पोस्टमैन हो यानी लेटर देने वाला। लेटर देने वाले हैं समझा। तू तो कहता डाकू आ गया। वैसे बोले कहें हम डाकू है तब हम घर पर आएंगे तो पूछो क्या बात है। ए भैया क्या बात है वो ये बताइए महाराज कौशल सिंह का मकान यही है क्या। हाँ हाँ बाबू कौशल सिंह का मकान यही है। तो लीजिए उनके बेटे शीतल का लंदन से खत आया है। खत आएगी मैं भैया के लंदन से। बेटे का लंदन से खत आए मैं। ठीक है नौकर जाज लेके आई। तू लंदन जाने के लिए तैयार था। हाँ और लंदन से खत आ गया जाज लेके जा पहले खत ले आ। बाबू बाबू हम लोग लंदन जाए वाले तैयारी कर रहे हैं शीतल भैया के लंदन से। लंदन 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 शीतल भैया के लंदन से खत आई है। अच्छा अच्छा हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है। है पर क्या रुका पर
यहाँ सर्वा दिखा तो ना। हे मंत्री देखा हमारे आखिरी में इतनी बेबहू विवाह फाट की बात पढ़ के देख सुनाए थे कम मालूम। अबे बेवकूफ नौकर, आँख में विवाह फटता है कि पैर में फटता है? तब का है दिखा ना। तेरे को रतौनी होता है। हाँ वह बात है, रखिए ना दिखा, दिन में दिखा। ठीक है हाँ पढ़ाए राजन। बाबू ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। चलो बच्चे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ठीक है इस खत में यही लिखा गया है। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। हम यहाँ कुशल पूर्वक से रहकर आशा करते हैं आप भी कुशल पूर्वक से होंगे। पिताजी को मालूम हो कि हमारी पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, यानी पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी है हाँ। और मैं तारीख 14 को घर वापस आ रहा हूँ। 14 को घर वापस आ। आपका आपका बेटा शीतल प्रणाम पिताजी। देखिए सेनापति 14 तारीख कल है। कल है 14 तारीख बेटा। हाँ हाँ राजन तारीख तो कल ही है, 14 तारीख कल ही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। और क्या कि हम लोग को लंदन जाना भी नहीं पड़ा। हाँ हाँ और बेटा शीतल आ भी गया। बेटा सही कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ सेनापति मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए कहिए राजन। अरे सेनापति आज सब खुशियाँ मनाओ। से खाना खिलाएंगे। हाँ ना सही कहा था, सब कराएंगे। ये तुम लोग काम है। हाँ ठीक बाप। ठीक है राजन, ये तो बहुत अच्छा बात आप कह रहे हैं। हाँ। आप जाइए आराम कीजिए। हाँ। और सारी व्यवस्था नौकर और मैं ठीक है चले तुरंत करता हूँ। हाँ जाए 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 बाबू जाए। नौकर महाराज जी तो बहुत सारे काम बता के चले गए। बहुत काम बताया लेकिन वह काम करना भी जरूरी है। बिल्कुल देख नौकर तू और मैं चल मिलकर सारे काम कर डालते हैं। नौकर तू जा नगर में ढिढोरा पीट दे पूरे नगरवासियों के लिए, पता कर दे जना दे कि कल शीतल आने वाले हैं और उनके खुशी में सबको खाने पीने नाश्ते और नाच गाने की सब कुछ व्यवस्था। आप लोग आइए अच्छा अच्छा खाना खाइए। हाँ। मुंह मीठा कीजिए। ना ना सही कहा था। और मैं जा रहा हूँ
शहर से हाँ। माल फूल माला फूल फूल हाँ। और बाजार के सारे सामान मसाला पकड़ा सब्जी वब्जी सब और नौकर हाँ। तू चले जा नाच गाने वाले के पास मनोरंजन सेवा मनोरंजन के लिए हाँ। नाच गाना करना भी जरूरी है हाँ बाबू क्या बढ़िया नाचा बढ़िया मनोरंजन वाला ठीक है हाँ। मैं जाता हूँ शहर में फूल लेने के लिए ना 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 जाए 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 मास्टर यहाँ तक गायन है सेनापति गायन है नौपेड़वा बजारे माला फूल के साग सब्जी के मसाला वगैरह के तैयारी करें और हमें कहें कोनो बढ़िया से नौटंकी नाच कैले कहें ऐसा नाच करें जो कुल मजा मिले कुल मजा मिले अब कौन नाच करी हमने समझ ही ना आवत बा अब पता न 14 तारीख खाली हुई है कि न खाली हुई है ओहो आइए दिमाग में हमार मन का चले जाए खुटान ब्लॉक के पीछे जौन विश्वनाथ मंडली मालिक है वह नहीं का नाच करब वही में कुल मजा आई अब पहले पूछी पतंग खाली है गना खाली है आप विश्वनाथ मंडली मालिक में रहते हैं आप का है पीटी मास्टर ना 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 चलो ठीक बा अच्छा अच्छा ये बतावा करे तुहरे कितना पैसे उसे ले था क्या का समझा हम ना पेड़वा गांव खई पहले नथनिया के जौने मन तौने बोलते देत रहे कुछ ना बोलत रहे इतने में समझदार हो गए अच्छा मास्टर आप मंडली मालिक के पेटी मास्टर हैं अच्छा ये बता मैं पैसा कौड़ी बता मैं एक रात में कितना ले थे 20,000 अच्छा अच्छा कुछ कम बेसी अरे हमरे राम 20,000 रुपया ले थे कम बेसी न हो कातन लगन चलत बा आज जितना कार्यकर्ता है सब नाचते हैं अच्छा ए मास्टर तुम्हें 20,000 रुपया हम दे कौन बात दिक्कत ना बा ये बतावे कई आदमी हैं 17 आदमी और कौन खर्चा पानी बीड़ी सलाई हाँ तम्बाकू बीड़ी सलाई सूती पान बीड़ी दारू कैसी सी दारू 14 सीसी दारू अब कई आदमी है का कर अपने गलियों में लड़वा 14 सीसी दारू वो भैया है 17 आदमी मांगा था 14 सीसी दारू ये मास्टर तो देखा 20,000 रुपया सोती सुपारी 14 सीसी दारू कुल मिली मगर 14 तारीख के समझे नहीं और 9 बजे करेंट 9 बजे मंडली स्टार्ट हो जाएगी और जब तक ना हो ना ये नौ पेड़वा का अभाव बनवा छोड़ के भेज देंगे तुरंत चला जाबा हाँ हम जाते हैं मास्टर राजू तो गजबा बाबा सेनापति अब आखिर नौपेड़वा गाँव से राजू भाई तोरे इंतजार में कहाँ चला गया रहे अरे यार दुकान पर बहुत भीड़ थी और सामान बहुत ज्यादा लेना था कुछ सब्जी ले आए सब कुछ सारा काम हो गया ना राजू कुछ इकट्ठे लेके चला तब हम कहे कहाँ के लेट कर बार बार कौन जाता मैं अच्छा अच्छा अच्छी ले शहर से अच्छा अच्छी गजबा लाया हूँ माला फूल माला फूल जैसे बेहद फूल भाई धतूर फूल बेहद धतूर भटकैया फूल नहीं लगता है बेला चमेला गुलाब है सब अच्छा बेला चमेला गुलाब अड़हुल के फूल ही कुल फूल कुल जड़वाए इतना काफी भी कुल अंदर सजा दिया लगा तुरंत हम सजाए आप अपने और सजावे Thank you.
हर गोरी चिड़ई गोरी चिड़ई ए गोरी चिड़ई हड़ावे के बहनवा ए जालो रोज नमस्कार नमस्कार महारानी आपके रात दरबार में बुलाइन है। आखिर बात क्या है? हमें क्या पता का खाली सेनापति के रात दरबार में बुलाया जाए। तुझे पता नहीं है ना? ठीक है चल मैं चलता हूँ। हमें हमें महारानी जी नमस्कार। सेनापति जी कहे महारानी जी। सेनापति जी। सेनापति क्यों याद किया गया? मैं इसलिए याद की ये सब सजावट ये सब देखकर मेरे दिमाग कुछ नहीं आ रहा है। महल को सजाया गया, खुशियां मनाई गई, खुशियां मनाई गई आपको नहीं पता है? और यह सब देखकर आपके बात यह समझ में नहीं आ रहा है तो कहना क्या चाहती हो? सेनापति जी सुनिए तो बात क्या है ये सेनापति और बताओ मुझे बात क्या है ये सेनापति और बताओ मुझे राज दरबार क्यों ये सब
खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है? हाँ बताइए ना। देखो महारानी, जो आपकी शपथ थी। क्या महारानी? मेरी शपथ? जो आपकी शपथ थी उसका नाम था रामकली। तो फिर क्या हुआ? रामकली मर गई, लेकिन महाराज जी के लिए दो बच्चे देकर गई। दो बच्चे? दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी वंदना तो घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही है। हाँ, उसे जानती हो? मैं से जानती हूँ। और एक बेटा जिसका नाम शीतल, वह लंदन पढ़ने गया है और 14 वर्ष लगभग बीत गया, वह अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ रहा है। क्या कहा? और उसी की खुशी में यह सारी खुशियां मनाई जा रही है। सेनापति जी, यानी मेरे सबक लड़का अपनी पूरी पढ़ाई करके कल वापस आ रहा घर। लेकिन सेनापति जी, और इसी के लिए यह सारी खुशियां मनाई जा रही है। महारानी जी, बहुत अफसोस की बात है। महारानी, यह खुशियां सुनकर आपको बहुत बड़ा दुख हो रहा है, आखिर क्या बात है? सेनापति, सोचने वाली बात, अगर मेरे शब्द का लड़का अगर यहाँ पर रहने लगेगा तो हम दोनों का जीने मुश्किल हो जाएगा। महारानी, अगर शीतल आकर अपने मकान पर रहने लगेगा तो हम लोग को जीना मुश्किल क्यों कर देगा वह? सेनापति, मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि हम दोनों जो छुप छुप के प्यार कर रहे हैं, प्यार के बीच में एक दीवार हो जाए। महारानी, महारानी, एक छोटी सी बात और इतना बड़ा चिंता। सुनो, मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता हो गई है। महारानी सुनो, तो इसकी चिंता महारो सारे गम को तुम्हारे मिटा दूंगा मैं, आग गले से लगा लो अरे मेरी गुल बदन, मैं तुम्हारा हुआ, आग के सीने से लगा लो मेरी गुल बदन, आग के सीने कहो। आप मेरे प्यार के दीवाने हैं। आपके प्यार के दीवाना हूँ महारानी। सेनापति जी, कहो। वैसे मैं आपको जब तक देखते मेरे दिल में चैन नहीं। वाह महारानी, वही बात मेरे भी दिल के अंदर है, जब तक मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ मेरे दिल में चैन नहीं पड़ती है। सुनिए, कहो। ए आई गए छोटे लाल भैया गौतम। हाँ, छोटे लाल भैया गौतम खामपुर के धरती से 21 रुपया का पुरस्कार है। कवन बात चल तब हमें ना पता। तुम चले जाओ गेट पर। सेनापति, का बात हो तब हमें ना समझ में। अबे नौकर, तू क्या करेगा? कोई पर्सनल बात है नौकर, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ गेट पर। हमारे बस की बात ना नहीं, वो गेट पर बैठी चौकीदारी करी। सेनापति के पास। कहो महाराज जी, मेरी बात सुनिए। तो नाम की हूँ मैं केवल महाराज की, काम की मैं हमेशा तुम्हारी, आगले पे लगा लो और मेरे हम सफर, मैं तुम्हारी। I'm gonna go to the hospital.
हमारा नहीं यहाँ क्या हुआ रे? हम यहाँ रहा हम यहाँ न रहा हमें कौन बुलाया? हम कहे तुम्हें नाश्ता पानी बना ले ना कर का? अगर तेरी शौक है ना हाँ जल्दी से जाओ तो बना कप चाय बना ले हाँ। चाय काली चाय दूध वाली काली चाय बना नेपो पो डाल के ले आई चाय तुरंत जा कहिए महारानी अरे तो हरी सूरत मारी हर पास गई को असल फाट गए ये बताओ किसे मतलब देखे ना हम कहे महारानी आवत है अब बोले है जल्दी चाय ना भाई में तब तक लागे पंपी आवे कर के पक से टंकी फाट गए हां ना कर से महारानी कोई बात नहीं है हां जहां बगल में चाय रखा है ना चाय से चूल्हा चाय बना ले हां हां जा जा हाँ महारानी लगता है नौकर भी मजा किया है बहुत मजा किया है और बहुत परेशान कर डालता है और सुनिए ना अरे गल से लगावा पूरा कैला यार बारह साल में पूछता हूँ तुमसे कहो महारानी क्या कहना चाहती हो ए गल से लगावा पूरा ए कैला यार चीर के रखे रहे और लगावे लगे चूल्हे में और सर्वा दुनिया का धुआं निकलत रहा हमारे गुस्सा लाख चलवा ठेल दे पक चूल्हे फट का करे धुआं फेंकत रहा हूं गुस्सा लाख चलवा ठेल दे पक चूल्हा फट कर का ऐसा चूल्हा फट गया ना हां तुम चाना बनाओ चले जाओ बाजार है न पड़े बाजार है जी हां काले आई गर्मी बहुत पड़ रही है ना हां हां मेरी ठंडा लेके आ हां तो हमें ठंडा तो का बदे हाँ मेरे लिए हाँ जो तेरी मर्जी कहे तो हाँ बदे चुटिया जलेबी ले आई चल ठीक है अच्छा महारानी बदे ठंडा और तो हाँ बदे चुटिया जलेबी हाँ हमारे मन काट तो का बदे ने अंडा ले परेशान रहता हूँ हमेशा से परेशान रहता हूँ जाने दीजिए ना
महारानी। हाँ कहिए ना। क्या बताऊ महारानी, जब तक तुम्हें नहीं देखता हूँ मेरे दिल में चैन नहीं पड़ती है। कमीना, तू बेगर बोले क्यों आता है? नहीं कैसे कहा था, जब तक ना देखी का बात है। हाँ तो कैसे जा कर कैसे कहा था महारानी, तो बकवास करे चल। देखो अगर हम दोनों से बातें करते रहेंगे तो समय निकल जाएगा। देखो महारानी, अगर यहाँ पर हम दोनों को जीना है तो बहुत होशियारी के साथ रहना पड़ेगा और बहुत होशियारी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्ची, सीता आ रहा है तो आने दो, इस बात का ध्यान रखना दिल में, डर और चिंता मत करना महारानी। अच्छी बात है। चलो लेकिन देना बच्ची, क्या मैं तुम्हारे पास आती हूँ, जाने का दिल नहीं करता। ठीक है, फिर मिलूंगा, मैं दूर नहीं जाता हूँ महारानी, थोड़ा काम भी देखा जाए और प्यार भी देखा। लेकिन सेनापति ये बताइए, इस प्यार के बीच में कभी धोखा नहीं दोगे? महारानी महारानी, प्यार के बीच में मैं धोखा नहीं दूंगा, लेकिन महारानी तू मुझे धोखा ना देना। ठीक है सेनापति, बहुत बड़ा विश्वास और आशा करता हूँ तुम्हारा। ठीक है सेनापति, सुनिए जब तुमने ना लड़े क्या मेरी महारानी, तो क्या सुना रही है, दिल की धड़कन बढ़ा दे रही है तू। जब से ना लड़ल बात रोज अकिया रहे ना इंतजार ले दिल भाई। Yeah.
के धरती से 21 रुपए का पुरस्कार है, आपका क्या विचार है महारानी? ना कर, देखो समय तो नहीं है, मैं जाता हूँ महल में क्योंकि महाराज इंतजार करते हो। नहीं नहीं सही है। क्या बताऊँ मास्टर जी, समय तो बहुत कम है, मैं जा रही हूँ क्योंकि महाराज इंतजार करते होंगे ना। ना फुटिए बा, हम अंधार हो गए, हम सूर हो गए, कहाँ जा दबा तू, कहाँ जा दबा तू? महल में। महल में का करे? महाराज इंतजार करते हो? महाराज इंतजार का भाई का हो रहा है कुल? कहाँ क्या हो? आई हम जवान देखत रहे और तू सेनापति का औकात रहो। ना कर तू क्या देख रहा तेरे? है क्या देख? एक गेटा पर से देखत रहे, देखा कुल बाहवा छोड़ा हम उदा। क्या? वह दा जवान सेनापति देत रहो। तेरा दिमाग सही है कि नहीं? हाँ हमारा दिमाग ना सही है, हमारा क्या वो है का बताए दे? क्या वो चुम्मो? ए ए महारानी ना दे बुने? नहीं हमें चुम्मा ना दे बुने, जाते बाबू बताए दे हमें चुम्मा दे, नहीं जा के बाबू बताए दे सेनापति से तबा वही ना कर। हम चुम्मा दे कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अब तो से गोली गिरा चाहिए।